नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों पर। बिसलपुर में शौचालय निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। पुलिस कर्मियों ने की महिला के साथ मारपीट। भाजपा नेता रत्नेश गंगवार ने पुलिस कर्मियों की कार्रवाई का किया विरोध। बुरहानपुर में शिक्षक प्रोफेसर समान काम समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर। पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन व छात्रों के बीच कराया समन्वय। असंतुष्ट छात्रों ने दफ्तर के सोफे कुर्सी व शीशे फेंक कर किया हंगामा। राजनांदगांव में गाड़ी की डिक्की में रखे 1.5 लाख उड़ाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कर चुके हैं अपराध। तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। जनपद पीलीभीत के बिसलपुर पुलिस पर महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि बिसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी सुशील कुमार अपने मकान में शौचालय का निर्माण कर रहे थे। इसी बीच उक्त मकान पर न्यायालय में विवाद होने की बात कहकर ओमपाल पुत्र रामस्वरूप और कुलदीप यादव पुत्र ओमपाल आए और निर्माण कार्य को रुकवाने लगे। जब सुशील कुमार ने निर्माण रोकने से मना किया तो उक्त लोगों ने UP 100 पर मामले की शिकायत की। शिकायत पर पहुंची UP 100 पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा दिया। इसके बाद दोबारा लोगों ने पुलिस को विवाद होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस वाले गुस्सा हो गए और शिकायत करने वाले के साथ ही मारपीट करने लगे। दूसरी बार घटना स्थल पर पहुंचे सिपाही श्याम सिंह पर सुशील कुमार की पत्नी ममता देवी और मिस्त्री को पीटने के आरोप लगाए हैं। वहीं कोतवाली में दोनों पक्षों को आमने सामने किया गया तो इस बात पर उक्त सिपाही मारपीट की बात से साफ इनकार करता दिखाई दिया। मामले पर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार उपाध्याय का कहना है, मामले की गहराई से जांच की जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले का विधानसभा 130 के भाजपा नेता डॉक्टर रत्नेश गंगवार ने कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि पुलिस द्वारा यह कार्य किया है तो बहुत ही निंदनीय है और यदि सिपाही दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई करवा कर ही चैन लेंगे। कहाँ आप लड़की बनाए? घर में अंदर। तो किस बात पे आपके साथ मारपीट की? हम इस बात का स्टेल है यार, फिर अंदर यादव देखो लेके गया पुलिस। तो आपको भी मारा? हाँ। और किसके साथ मारपीट की? जे मिस्त्री जी और इनके वो कुलदीप यादव है, उसका बाप सोमपाल। ओमपाल 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 आज दिन में एक चौसर पड़िया में जगह पड़ती है, वहाँ पे कुछ लोग अपना मकान पूर्व से बना हुआ था, उसमें कुछ निर्माण करा रहे थे। तो एक महिला द्वारा ये ऑफिस में आके बताया गया कि सिपाही को थाने के हैं, उन्होंने जाके उनसे मारपीट की और जबरदस्ती जो है बिल्कुल निर्माण रोकने कहा गया, जबकि वो अपना रजिस्टर्ड बहनामा उन्हें दिखाते रहे। इस पर कोई सुनवाई उस उक्त सिपाही द्वारा नहीं की गई। उनके साथ कुछ और भी लोग ओमपाल और कुलदीप, दो लोग और साथ में जो बिसलपुर कस्बे के रहने वाले हैं, उनने भी मारपीट की, ऐसा उनके द्वारा बताया। तो उसके तहत फिर मेरे द्वारा थाना स्तर पर पहुंचा गया और वहां जो कोतवाल इस समय है संजीव उपाध्याय, उनसे इस संबंध में बात करें तो उनके द्वारा ये बताया गया कि 100 नंबर के कुछ सिपाही, इनका नाम श्याम सिंह कांस्टेबल जो है वो मौके पर गए थे, वो भी मौके पर आए, वार्ता हुई तो महिला द्वारा लगातार बताया गया इन्होंने हमें मारा पीटा। तो ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अगर किसी महिला से कोई शिकायत थी भी तो महिला पुलिस को बुला के जो भी कार्रवाई करनी थी करनी चाहिए थी, इसलिए थाना स्तर का घेराव किया गया और इंस्पेक्टर द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इसकी जाँच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिसलपुर से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। बुरहानपुर के यूनानी कॉलेज में 28 दिन से चली आ रही प्रोफेसर शिक्षकों की हड़ताल का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। पढ़ाई प्रभावित होने से नाराज छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन कार्यालय का सामान फेंक कर तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन व छात्रों के बीच समन्वय कराया, लेकिन छात्र असंतुष्ट नजर आए।
बुरहानपुर के यूनानी कॉलेज में बीते 28 दिन से कॉलेज के शिक्षक प्रोफेसर समान काम समान वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। शिक्षकों की हड़ताल पर होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बार बार कॉलेज प्रबंधन के दफ्तर जाकर समस्या हल करने की मांग कर करके थके छात्र आज आक्रोशित हो गए और उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के दफ्तर में रखे सोफे कुर्सी व शीशे फेंक कर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। अब नाराज छात्र कलेक्टर को शिकायत करने की बात कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार हड़ताली शिक्षक प्रोफेसरों के अधिकतम सीमा के में वेतन बढ़ा दिया है। इसके बाद भी शिक्षक हड़ताल नहीं समाप्त करते हैं तो उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। कॉलेज प्रबंधन जल्द ही छात्रों की समस्या हल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। वही हड़ताल शिक्षक प्रोफेसर अपनी मांग पर अडिग है और कॉलेज प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अगला कदम उठाने की बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो मैनेजमेंट का ये कहना कि टर्मिनेट कर देंगे, ये अपने लिखे हुए से क्यों फिर रहे? और इन्होंने अभी तक के हमारी मांगे स्वीकार जो की जा चुकी थी वो अभी तक इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हम लोग आज 28वां दिन हमारी हड़ताल का है। ये बार बार मीडिया के लोग भी जब आप लोग जाते हैं तो उनसे ये कह के कि हमने तो बढ़ा दिया, इससे पहले भी इन्होंने 15% की वृद्धि करके हमारे अकाउंट में सबके पेमेंट डाल दिया था लेकिन हमने उसको वापस लौटा दिया। हम आज भी हमारी उस मांग पे डटे हुए हैं कि जो लिखित रूप में इन्होंने स्वीकार कर चुके हैं, हमारी लड़ाई तो यही है ना कि जो आपने मांगे उस समय हमने किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के तो मांगे लिखवाई नहीं थी, दस्तखत करवाई नहीं थी। इन्होंने मीटिंग करके सहमति बना के संयुक्त रूप से एक हस्ताक्षरित लेटर हमको दिया था जिसमें इन्होंने स्वीकार किया था कि आपकी मांगों से हम सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त करते हैं और माह दिसंबर से आपका प्रस्तावित वेतनमान जो हमने उनको दिया था वो प्रस्तावित वेतनमान जो है प्रभावशील होगा। फिर उससे क्यों नहीं आज हम तो बोल रहे आप हमारे अकाउंट में प्रस्तावित वेतनमान डाल दे, हम कल से उठ जाएंगे। मुझे जानकारी मिली थी कि बच्चों ने यहाँ के ऑफिस में तोड़फोड़ की है, तो वैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने वीके साहब को भी फ़ोन किया, टीआई साहब को भी, सर वहाँ तोड़फोड़ हो रही है, थोड़ा सा आप जाके देखिए कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए, कोई बच्चा हताहत हो जाए। रही बात तोड़फोड़ और ये बच्चे क्यों कर रहे हैं कि स्टाफ हड़ताल पर है, नाजायज़ मांगों को लेकर 4 गुना सैलरी की वृद्धि मांग रहा है, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है। जब हमारे पास बजट अलाउड ही नहीं कर रहा तो हम देंगे कहाँ से? और हायर साइड जाके हमने उनको ऑफर कर दिया है, अब अगर उनको सैलरी मंजूर नहीं है तो वो अपना इस्तीफा दे दे, हम नए लोगों को अपॉइंट कर देंगे। स्टूडेंट का गुस्सा उनकी स्वाभाविक है, उनका वाजिब। मैनेजमेंट अभी भी सर क्लियर कुछ बोल नहीं रहा है। हमने मांगा उनसे कि लाइटिंग में हमको दे दो, अभी नूर सर ने बोले हैं कि कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, फिर से ये नया आश्वासन। अब उनको यही चीज़ बोल रहा है कि राइटिंग में दे दो, राइटिंग में देने के लिए तैयार नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि कल जन सुनवाई है कलेक्टर महोदय के पास, हम डायरेक्ट जाके उनसे मिलेंगे और उनसे जाके हमारी समस्या को बताएंगे। बुरहानपुर से तफसुल हुसैन, मुलायम वाला की रिपोर्ट। राजनांदगांव पुलिस ने 1.5 लाख की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2 जनवरी को सहकारी बैंक से किसान द्वारा निकाले गए पैसे गाड़ी की डिक्की से गायब किए थे। राजनांदगांव के जिला सहकारी बैंक से 2 जनवरी को किसान अंकालू राम ने अपने खाते से धान बेचने के बाद आए पैसे को निकालने के बाद अपना चश्मा बनाने के लिए एक दुकान पर पहुंचा था। किसान ने बैंक से पैसे निकालकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रखे थे। चश्मा बनवाकर जैसे ही वह वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। किसान को उसकी गाड़ी से 1,48,000 रुपए गायब दिखे। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी अपराध करना कबूले। एक आरोपी चंद्रभान नट खमरोज जिला शहडोल और दूसरा आरोपी पप्पू कंजर अनूपपुर का रहने वाला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। कोतवाली अंतर्गत 2 जनवरी को पिछले महीने एक घटना घटित हुई थी। कमल ऑप्टिकल्स के सामने उठाईगिरी की घटना घटित हुई थी जिसमें 1,48,000 की उठाईगिरी हुई थी, जिसमें जो प्रार्थी है वह अपनी स्कूटी से में 1,48,000 जो कि बैंक से विभिन्न खातों से निकाला था और उसको लेके जा रहा था और कुछ काम से वो कमल ऑप्टिकल्स में गया। उसी दौरान 3 व्यक्ति जो अज्ञात 3 व्यक्ति वहां पर आए और उसकी गाड़ी के डिक्की से 1,48,000 का रकम निकाल के वहां से फरार हो गए थे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और इसमें थाना प्रभारी कोतवाली और जिले के अन्य थानों को भी इसमें निर्देशित किया था। तो इसमें टीम बनाकर एक काम किया जा रहा था कोतवाली थाने के द्वारा। इसमें जो CSP कोतवाली है, जो यहाँ के CSP हैं, वो भी इसमें लगे हुए थे और उस दिन हमारी टीम वहीं पर थी जो सहकारी बैंक के पास पहुँची
वहाँ पर वो सिविल में घूम रहे थे और संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। उसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति दिखाई दिए और वो पुलिस को देख के जैसे ही इन्होंने पूछताछ जारी किया, जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ से भागने लगे। उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें से दो व्यक्ति पकड़ में आ गए और उनकी मोटरसाइकिल भी वहाँ पर मिल गई। एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल हुआ। इनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने चंद्रभान नट बताया और दूसरा व्यक्ति जो है पप्पू कंजर, जो दोनों अनूपपुर के रहने वाले हैं और ये अन्य जिले के और अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की घटना कारित किए हैं, जिसमें सहडोल, बुढ़ान, सड़ और बेमेतरा, बालोद यहाँ पर घटना कारित किए हैं। वहाँ की पुलिस से संपर्क कर लिया गया है और इनके पास से 17,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल जब्त किया गया है और इनको गिरफ्तारी कार्रवाई की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव द्वारा फिरोजाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा किए जाने के बाद प्रसपा पदाधिकारियों में हर्ष की लहर है। पदाधिकारियों ने मिष्ठान वितरित कर हर्ष व्यक्त किया। स्टेशन रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में यूथ के जिलाध्यक्ष प्रशांत उपाध्याय ने कहा कि क्षेत्र की जनता चाहती थी कि फिरोजाबाद जिले से अच्छे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए। इसके लिए प्रसपा पदाधिकारी शिवपाल सिंह यादव से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे थे। इस दौरान प्रसपाइयों ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जाहिर करते हुए मिष्ठान वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जिला मुख्यालय पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसके साथ पुलिस ने मुख्यालय पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ भी की। फिरोजाबाद में संदिग्ध वाहनों और लोगों की चेकिंग के साथ ही पुलिस ने मुख्यालय पर वकीलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र अधिकारी अजय चौहान ने मुख्यालय पर अपनी टीम के साथ चेकिंग के लिए पहुंचे थे। इसके बाद गेट पर संदिग्ध वाहनों की जाँच की गई। सड़क किनारे खड़े वाहनों को भी हटवाया गया। इसके आसपास के खड़े वाहनों की जाँच की। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। न्यायालय में जो अदालत है और जो परिसर है और जो वादी और जो भी लोग आते हैं उनकी सबकी सुरक्षा बनी रहे, इस हेतु जो आदेश हैं पहले से ही आदेश हैं कि अचानक चेकिंग की जाए और उसी अनुक्रम में अचानक चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान सभी जहां कूड़ा वगैरह था, कूड़े को ढेर वगैरह और जहां जहां संदिग्ध प्लेस थे सभी जगह की नियमित नियमानुसार चेकिंग की गई, सभी ओके पाए गए। चेकिंग अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कभी कभी असामाजिक तत्व और अक्सर कचहरी में आके चोरी वगैरह या कोई बम वगैरह न रख जाएं, इसलिए सामान्य चेकिंग का वो सीएम साहब ने आदेश किया है और इसलिए महीने में 2 बार ये चेकिंग प्रक्रिया चलाई जाती है। हम लेकर आते हैं, कभी कभी इस तरह की घटनाएं भी न्यायालयों में होती रही हैं, उन पर अंकुश लगाए रखने के लिए और इस तरह के अपराधियों में खौफ बना रहे इसके लिए भी ये आवश्यक है कि समय समय पर इस तरह की चेकिंग अदालत परिसर में, अदालत के क्षेत्रों में, अदालत के पास आने जाने वाले रास्तों पर हमेशा होती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारा प्रदेश।